भगवान श्री सीताराम की कृपा से श्री राधा कांत भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के हम आप सबको राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम श्री राम की मंगलमय गाथा को श्रवण कर रहे हैं और राम कथा में भी परम रसमय श्री भरत जी का चरित्र है। जगत भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। नामकरण के समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, सारे जगत का जो भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत है। भरणम तनोति भरतः, कैसे भरण पोषण करते हैं? भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं, अपितु परम चिन्मय पदार्थ प्रेम के स्वरूप श्री भरत जी महाराज हैं। सारे जगत को प्रेम प्रदान करने वाले श्री भरत जी महाराज हैं। तो ऐसे भरत चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के श्री राम जी के दर्शनों के लिए भरत जी चित्रकूट निकले हैं। संत जब चलता है तो सबको भगवान के मार्ग में चला देता है, स्वयं का तो उद्धार करता है और सारे जगत का उद्धार कर देता है। श्रृंगवेरपुर में खबर पहुंचा कि भरत जी आ रहे हैं। जैसे ही निषाद राज गुह को खबर मिला कि भरत आ रहे हैं, सावधान हो गए। क्यों सावधान हो गए? निषाद राज गुह को सूचना मिली कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं, रथ घोड़ा सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के भरत जी आ रहे हैं। तो निषाद राज गुह को चिंता हुई, कारण कवन भरत बन जाही। भरत बन में आ रहे हैं पर सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं? यदि श्री राम जी से भेंट करने के लिए जा रहे हो तो सेना की क्या आवश्यकता है? तो निषाद राज गुह के मन में यह आशंका आ गई कि जैसे बबूल के पेड़ में आम नहीं उगता, कांटे के पेड़ में कांटा ही उगता है, इन्हीं की माताजी ने राम जी को वन भेजा। कैकेयी ने, माता कैकेयी ने राम जी को वन भेजा और उन्हीं का तो पुत्र है भरत। मां ने श्री राम को वन भेज दिया, अब बेटा सेना लेकर के जा रहा है राम जी को मार के राज्य अकंटक करने के लिए। यह आशंका, यह संदेह निषाद राज गुह में हो गई। है कछु कपट भाऊ मन माही। निश्चित ही भरत के मन में कुछ कपट है, यह संदेह हुआ। सारे समाज को बुलाया निषाद राज ने, सभी सबर जाति जितने भी थे श्रृंगवेरपुर के निवासी सबको बुलाया और कहा, भाइयों भरत सेना लेकर के जा रहे हैं हमारे राजा राम को मारने के लिए, अब भक्ति की परीक्षा देने की घड़ी आ गई। जब तक हमारे शरीर में एक बूंद भी रक्त है हम भरत को गंगा पार उतारने नहीं देंगे। चलो सब अपनी अपनी सेना लेकर के, हथियार लेकर के, शस्त्र लेकर के। तो जितने सवर थे उस श्रृंगवेरपुर में, कोई भाला लेकर के, कोई बर्छी लेकर के है, तो कोई लाठी लेकर के, छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर लेकर गए हैं, कुछ नहीं तो पत्थर मारेंगे सबको। सब सेना लेकर के जा रहे हैं। प्राण जब तक रहेगा
श्री राम के ऊपर कोई आंच आने नहीं देंगे। तो उसी समय एक व्यक्ति ने छींक दिया, इतना कहत छींक भई बाएं, छींक आ गई। तो बड़े बूढ़े जो थे वहां, बूढ़े बूढ़े निषाद, सबने कहा देखो भाई, मंगल काम करने के लिए जाओ और छींक आ जाए तो जानना मंगल होने में कोई संदेह है, और आप सब जा रहे हो राम जी के लिए युद्ध करने, छींक आ गई तो थोड़ा सावधान हो जाओ। पुराना कहावत है, जाघर नहीं बुढ़ा ताघर डिग्गम डिग्गा। घर में जब बूढ़े होते हैं, ये बड़े बूढ़े घर के बरगज होते हैं, जैसे एक विशाल वृक्ष के छांव में अनेक व्यक्ति रह सकते हैं, एक वृक्ष अनेक पक्षियों को आश्रय दे सकता है, ऐसे ही बड़े बूढ़ों के आश्रय में जब लोग रहते हैं तब उस घर में कोई अमंगल होता नहीं है। आज की समस्या है कि घर में बड़े बूढ़े नहीं है, जहां से संस्कार मिलता है बच्चों को, दादा दादी नाना नानी के पास बच्चे संस्कार प्राप्त करते हैं। अब बच्चों के सौभाग्य में दादा दादी नाना नानी का प्रेम नहीं है, तो जहां से संस्कार का स्रोत निकलता है वही हमने बंद कर दिया, तो बच्चों के भीतर संस्कार कहां से आएगी। दादा दादी नाना नानी के पास सोते थे, नानी दादी राम कथा सुनाती थी, कृष्ण कथा सुनाती थी, पर कलियुग की विडंबना तो यह है कि आज के बूढ़ा बूढ़ी को भी राम कथा कृष्ण कथा आती नहीं है। बूढ़ा बूढ़ी दादा दादी भी मोबाइल पकड़ के बैठे हैं, तो कहां से संस्कार आए। एक स्थान में एक जगह एक व्यक्ति की विवाह ठीक भाई, लड़की वालों का गांव नदी के उस पार था, तो लड़की वालों ने एक शर्त रखी, विचित्र शर्त, हम लड़की दे देंगे लेकिन एक शर्त है कि आपके बारात में एक भी बुढ़ा नहीं आएगा। हाँ, यदि एक भी बुढ़ा बारात में आया तो बारात वापस लेकर के जाओगे, हम बेटी देंगे नहीं। लड़कों लड़के वालों को वह कन्या पसंद थी, तो सबने सोचा करें क्या भाई, ब्याह तो यहीं से करना है, बेटी तो यहीं से लेकर के जाएंगे, बहू तो यहीं से लेकर के जाएंगे, पर शर्त यह है कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, नहीं लेके जाएंगे। जितने भी बुढ़ा थे परिवार के समाज के, सबको मना कर दिया गया, आप सब बड़े बूढ़े हो गए, किसी के घुटने में दर्द है, किसी को क्या है, आप सब घर में रहो, दुल्हन आ जाएगी तब आशीर्वाद देना, सावधान यदि कोई बूढ़ा गया बारात में तो। कोई नहीं गया, सब बूढ़ों को छोड़ दिया घर में, लेकिन एक बूढ़ा, उसका बहुत मन था जाने का, वो छिपके चला गया। एक बैलगाड़ी में जो कन्या पक्ष के लिए सामान जा रहा था, कपड़ा मिठाई आदि आदि सामान जा रहा था, उस गाड़ी के भीतर छिपके चादर ओढ़ के बैठ गया बूढ़ा, मैं तो जाऊंगा जैसे, तो छिपके चला गया। तो बारात पहुंची नदी के इस पार, तो कन्या पक्ष के कुछ लोग आए थे नदी के इस पार स्वागत करने, स्वागत हुआ, और वहीं कन्या पक्ष के कुछ लोगों ने कहा कोई बूढ़ा तो नहीं आया है बारात में, देख लो यदि कोई बूढ़ा निकला तो वापस लेके जाओगे बारात, बेटी देंगे नहीं। बोले बिल्कुल नहीं आया, कोई बूढ़ा लेकर के नहीं आए, सब जवान जवान आए हैं। फिर एक शर्त रखा, क्योंकि बेटी वालों को बेटी देने ही नहीं थी, जो वर पक्ष था थोड़ा कमजोर था, कन्या पक्ष मजबूत था, तो इसीलिए बेटी देना नहीं था, किसी दबाव के चलते ब्याह के लिए हाँ तो कर दी पर बेटी देनी नहीं थी, इसीलिए ही शर्त रखी गई थी कि कोई बूढ़ा नहीं आएगा तभी हम बेटी देंगे। तो बोले ठीक है, बूढ़ा तो नहीं आया है, फिर भी हमारा एक शर्त है, पूरा एक शर्त है, ये शर्त आप पूरा कर दो तो बेटी दे देंगे। बोले क्या शर्त है, ये जो नदी बह रही है ना,
हमारे गांव और आपके गांव के बीच में देखो विचित्र शर्त है। बोला इस नदी में पानी की जगह दूध भर दो। क्या कहा? पानी की जगह दूध भर दो तभी बेटी देंगे। सभी सोच में पड़ गए, ये कैसा विचित्र शर्त है? कोई नदी में पानी की जगह दूध भरेगा और यदि बिना बेटी के बारात वापस गई तो बदनामी होगी गांव में। सभी कहेंगे बारात लेकर के गए थे, बिना बेटी के वापस आ गए। बोले भाई ये क्या शर्त है? ऐसा कोई शर्त होता है? भला नदी में कैसे दूध भर देंगे हम? नहीं, शर्त पूरा करो नहीं तो बारात वापस लेके जाओ, बेटी देंगे नहीं। या तो नदी में पूरा दूध भरो वरना वापस चले जाओ। सब दुखी बैठे थे बारात, अब क्या करें? खाली बारात लेके जाएंगे तो बेचारा दूल्हा जीवन भर कुंवारा रह जाएगा, कोई वापस कन्या देगा नहीं, बदनामी हो और होगी। तो उसी समय वो बूढ़ा छिपके बैठा था बैलगाड़ी में, निकला बैलगाड़ी से बाहर, सबने देखा, ओ चाचा कहाँ आए तुम? तुम लोगों ने छोड़ के, तुम लोग छोड़ के आ गए, मैं छिप के आ गया। क्यों आए? और समस्या बढ़ाने आए हो? समस्या बढ़ाने नहीं आया, समाधान करने आया हूं। कैसे समाधान करोगे? मैं सुन रहा था सब बैलगाड़ी में बैठे बैठे, लड़की वाली कह रहे हैं नदी में पानी की जगह दूध भर दो, तो मैं समाधान करने आया हूं। कैसे समाधान करोगे? भरोगे नदी में दूध? बूढ़ा बोला हमारी बात तो सुनो, जाओ लड़की वालों के पास और उनसे कहना हम नदी में दूध भर देंगे, पानी के जगह दूध भर देंगे, पर पहले आपका काम यह है कि नदी से पानी खाली करो। नदी का पानी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे नदी में, कह दो जाकर के। लड़के वाले गए, बोले भाई हम दूध तो भर देंगे लेकिन पहले आप नदी का पानी खाली कर दो। अब लड़की वाले सोच में पड़ गए हैं और यही निर्णय हुआ कि चलो कन्या देनी पड़ेगी। तो बारात गई और दुल्हन लेकर के आई, तो सभी ने यही सोचा कि ये बूढ़ा अगर साथ में नहीं गया होता तो ब्याह नहीं हुआ होता। इसीलिए बड़े बड़े समस्याओं का हल घर में यदि बड़े बूढ़े हों, नाना नानी दादा दादी हों, उनसे पूछना चाहिए, उनके पास अनुभव होता है। पर आज के जवान सोचते हैं इनको क्या पता होगा, इनको क्या पता होगा। इसीलिए एक बूढ़ा था, उस बूढ़े ने कहा, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलियन हो ही हिरारी। सगुन देख करके, छींक को देख करके बूढ़े ने कहा, निषाद राज गुह, बिना विचार किए यदि काम किया जाए तो बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचार किए झट कोई भी निर्णय ले लेना, ये मूर्खता का लक्षण है। हमारा यह स्वभाव है बिना विचार किए, बिना सोचे कि परिस्थिति क्या है, कैसे होने वाली है, हम तुरंत निर्णय ले रहे, ये तो बेकार हो जाएगा, ये बेकार, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो झट निर्णय लेते हैं बिना विचार किए, वही लोग असफल होते हैं और ये मूर्खता का परिचय है। जो बिना विचार किए पहले ही विचार कर लेते हैं, बिना विचारे काम करे और पाछे पछताए, सिर धुनी धुनी पछताए, लोग में होए हसाए। पछताना पड़ेगा, लोग हंसी उड़ाएंगे। इसे निषाद राज बिना विचार किए कोई काम मत करो। भरत जी जा रहे हैं, पहले देखो भरत किस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो निषाद राज ने भी कहा चलो बूढ़े की बात मान लेते हैं। तो निषाद राज ने सब सेवकों को बुलाया, अस कही भेंट सजोवन लागे कंद मूल फल। सभी सेवकों को कहा जाओ कंद मूल फल लेकर के आओ, भरत जी से मिलने जाएंगे, भेंट लेकर के जाएंगे।
अस कही भेंट सजोवन लागे। भार भार कहार भारन में कंद मूल फल, कंद मूल फल सब रखे हैं और सब कहार कंद मूल फल लेकर के भरत जी के पास मिलने गए। तो निषाद राज ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी भेंट पूरी नहीं हुई है, खाली कंद मूल फल लेकर के नहीं जाएंगे तो और क्या लेके जाओगे। कंद मूल फल खग मृग मांगे, बोले खग मृग लेकर के जाएंगे। तो बूढ़े ने कहा कंद मूल फल लेकर के जाओगे सो तो ठीक है, खग मृग लेकर के जाओगे। खग मृग माने अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। बोले कंद मूल फल लेकर के जाएंगे सो ठीक है, ये बकरा मुर्गा लेकर के क्यों जाओगे। अभी किसी साधु के पास आप भेंट करने जाओ, हमारे पास भेंट करने जाओ तो फल लेकर के आओ ठीक है, ये मुर्गा और बकरा लेकर के आओगे है? ये ठीक है किसी साधु के पास जाने के लिए। बोले भरत जी ये खग मृग क्यों लेके जाओगे, खग माने है पक्षी मृग नहीं, हम लेकर के जाएंगे। बोले भरत जी साधु हैं संत हैं, संत के पास कंद मूल फल लेकर के जाते हैं, मिठाई लेकर के जाते हैं, ये खग मृग क्यों लेकर के जाओगे। बोले तुम्हारी बात हमने मानी, बस अब चुप रहो, अब जो हम करेंगे हमको करने दो। बूढ़ा बेचारा चुप हो गया। तो कहार कंद मूल फल लेकर के जाने लगे और कुछ निषाद खग मृग विभिन्न प्रकार के पक्षी पकड़े हैं और मृग पकड़े हैं, आजकल बकरा उस समय मृग। तो थोड़ी देर चलने लगे तो निषाद राज ने कहा रुको 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 रुको, अभी भी भेंट पूरी नहीं हुई, और भी कुछ सामान चाहिए, और क्या चाहिए। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, और मीन पीन पाठीन पुराने। बोले मछली लेकर के आओ, मछली भी लेकर के आओ, मीन माने मछली। गंगा का किनारा है और गंगा किनारे बढ़िया ताजा ताजा मछली मिलती है और जाति भी है निषाद का। तो दौड़े निषाद जाली लेकर के, जाल लेकर के और गंगा के जल से मछली लेकर के आए, ताजा ताजा मछली। अब सब ने कहा भाई ये कंद मूल फल ले रहे थे, ये खग मृग लेके जा रहे थे, अब मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। कहार भर भर के क्या लाए, मीन माने मछली लेकर के आए। तो क्या क्या लेके जा रहे हैं भरत, कंद मूल फल जा रहा है, खग मृग जा रहे हैं और मछली लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं, संसार में तीन प्रकार के प्राणी हैं, एक है सात्विक प्राणी, एक है रजोगुणी प्राणी, एक है तमोगुणी प्राणी। अगर भरत जी की दृष्टि कंद मूल फल पे आएगी तो समझ जाएंगे भरत जी सतोगुणी स्वभाव के हैं, ये राम जी के पास मित्रता करने जा रहे हैं। यदि भरत जी की दृष्टि खग मृग में जाएगी तो भरत जी रजोगुणी स्वभाव के हैं, ये विचार करने वहां जा रहे हैं। और भरत जी की दृष्टि यदि मछली में जाएगी तो ये तमोगुणी स्वभाव वाले हैं, युद्ध करने जा रहे हैं। तो निम्न मध्यम और उच्च तीन प्रकार के विचार हैं। तो भरत जी की दृष्टि जहां जाएगी वहीं से हम निर्णय कर लेंगे तो भरत जी किस उद्देश्य लेकर के राम जी के पास जा रहे हैं। और थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा उद्देश्य समझ में आया तो वही बाण निकाल के मारेंगे। इसीलिए अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने,
भरी भरी भार का हारन आने, सब लेकर के भरत जी चलने लगे। तो उसी समय उस बूढ़े ने फिर से कहा, सुनो निषाद गुह, तुम जा रहे हो तीन प्रकार की वस्तु लेकर के, कंदमूल फल लेकर के जा रहे हो, खगमृग लेकर के जा रहे हो, मछली लेके जा रहे हो, और तुम्हारा उद्देश्य यह है कि अगर फल में दृष्टि जाएगी तो सत्वगुण है, खगमृग में दृष्टि जाएगी तो रजोगुण है, मछली में दृष्टि जाएगी तो तमोगुण है, लेकिन हम जानते हैं भरत जी साधु हैं, भरत जी संत हैं, भरत जी की दृष्टि ना फल में जाएगी, ना खगमृग में जाएगी, ना मछली में जाएगी, भरत जी की दृष्टि श्री राम जी के चरण रज में जाएगी। जहां जहां राम जी के चरण चिन्ह पड़ेंगे भरत जी की दृष्टि वहां गिरेगी, क्योंकि संत की दृष्टि न सतोगुण में रहती है, न रजोगुण में रहती है, न तमोगुण में रहती है, संत की दृष्टि तो निर्गुण होती है, चिन्मय होती है, केवल भगवान के चरणारविंद में होती है। यह विचार करके मिलन साज सही मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। थोड़ी आगे निषाद राज आए हैं समाज को लेकर के, तीन प्रकार की भेंट लेकर के, तो सभी शुभ संकेत होने लगे, गौ माता का दर्शन होने लगा, शुभ पक्षियों का दर्शन होने लगा, सभी शुभ संकेत को देखे और दूर से भरत जी आ रहे हैं, रथ में बैठे हैं और उनके पास गुरु वशिष्ठ जी हैं। दूर से ही भरत जी ने देखा निषाद राज अपनी प्रजा के साथ हैं, तो निषाद राज ने पूछा गुरु जी से कि गुरु जी ये कौन है, ये कौन है? तो गुरु जी ने कहा, बेटा भरत, ये आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के प्राण प्रिय सखा निषाद राज गुह है। तो राम जी भरत जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं, पर भरत जी को राम जी भाई नहीं मानते, भगवान मानते हैं। और जैसे ही सुना कि निषाद हमारे भगवान श्री राम के सखा है, रामस्य प्राण समस्सखा, तो तुरंत निषाद राज रथ से कूद पड़े और दूर से आ रहे हैं। केस कैसे आ रहे हैं? दृष्टि नीचे है, चरण रेख चिन्ह देखन आए, राम जी के चरण चिन्हों को देख देख के आ रहे हैं, और ऐसा आनंद लग रहा है कि मानो राम जी का साक्षात दर्शन हो रहा है। चरण रेख रज नयन ही लावा, चरण चिन्ह के रज को ला करके अपने नैनों से लगा रहे हैं। चरण रेख रज नयन न लावा, मानहु रघुवर कर दर्शन पावा। और भरत जी को ऐसा लग रहा है कि साक्षात राम जी का दर्शन हो रहा है। दूर से देखे राम सखा, राम जी के सखा हैं। वशिष्ठ जी आगे आए हैं। पहले निषाद राज ने भरत जी को देखा और जैसे ही भरत जी की दृष्टि देखी, कहाँ है दृष्टि? राम चरण रेख रज नयन न लावा, उनकी दृष्टि न फल में गई, न खगमृग में गई, न मछली में गई, कहाँ गई? राम जी के चरण चिन्ह में गई। तो बूढ़े की बात याद आ गई, निषाद राज को पश्चाताप हुआ कि भरत जी के ऊपर हमने संदेह की है, ये ना रजोगुण में है, ये ना तमोगुण में है, ना सतोगुण में है, इनकी दृष्टि तो निर्गुण हो चुकी है। मिलने गए, पहले वशिष्ठ जी से मिला,
जानी राम प्रिय दीन आशीषा। राम जी के प्रिय सखा जान करके वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया और भरत जी को जाकर के साष्टांग दंडवत करते हैं निषाद राज। और जैसे ही दंडवत करने जा रहे थे उससे पहले भरत जी ने उठाया निषाद राज को, अपने छाती से लगाया, गले से लगाया। करत दंडवत देखी तेहि भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सह भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। भरत लीन उर लाई, भरत जी ने हृदय से लगाया और जैसे ही निषाद राज को हृदय से लगाया भरत जी को कैसा अनुभव हुआ? मनहु लखन सन भेंट भई, ऐसा लगा कि छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भेंट हो रहा है। अच्छा ऐसे क्यों हुआ? हम पहले ही संकेत कर चुके हैं आराध्य देवता का गुण उपासक में आ जाता है, पिता का गुण पुत्र में आ जाता है और गुरु का गुण शिष्य में आ जाता है। वही शिष्य वास्तव में शिष्य होता है जिसको गुरु को बोलना नहीं पड़ता, गुरु के मन के बारे में वो जान जाता है। साधक को शिष्य को गुरु से प्रश्न करनी नहीं पड़ती कि हम किसकी उपासना करें, कैसे उपासना करें। जब गुरु के मन के साथ शिष्य का मन मिल जाता है तो गुरु के मन में क्या चल रहा है ये शिष्य को पता चल जाता है। तो निषाद राज के गुरु कौन है? जिस दिन निषाद राज गुहा ने श्री सीताराम जी को उसके शैया में सोते देखा शीशम वृक्ष के नीचे, निषाद राज को दुख हुआ कि नहीं? भय हो निषाद ही विषाद, विषाद हो गया निषाद को। और उस रात्रि निषाद राज को किसने समझाया था? लक्ष्मण जी ने समझाया था कि नहीं? रात भर समझाया। क्या समझाया? काहू न को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्म का फल ही भोगते हैं। और आप श्री राम को देख करके दुखी हो रहे हैं? निषाद राज कह रहे थे कैकई नंदिनी मंदमती, कैकई माता को दोष दे रहे थे कि कैकई के कारण राम जी को दुख हुआ, विधाता ने राम जी को दुख दिया। लक्ष्मण जी ने समझा दिया निषाद भाई राम जी के वन गमन में ना कैकई माता का दोष है ना भाग्य का दोष है, ये तो राम जी की इच्छा है। राम जी अपनी इच्छा से ही वन में आए हैं क्योंकि राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम स्वयं ब्रह्म है। अब बताओ ब्रह्म का पहचान कराने वाला कौन होता है? भगवान का पहचान कराने वाला कौन होता है? गुरु होता है कि नहीं? तो लक्ष्मण जी ने समझाया था निषाद राज को राम जी स्वयं भगवान है। और क्या समझाया? सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। और सखा जीवन का लक्ष्य, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा परमार्थ यह है कि मन कर्म और वचन से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। मन कर्म वचन राम पद नेहु, ये कौन समझाता है? गुरु समझाते हैं कि नहीं? तो इसीलिए निषाद राज के गुरु कौन हुए? लक्ष्मण जी हुए। और जैसे पिता का गुण पुत्र में आता है, भगवान का गुण आराध्य का गुण साधक में आ जाता है, गुरु का गुण शिष्य में आ जाता है, तो लक्ष्मण जी के गुण निषाद राज में आ गए। और जैसे ही भरत जी ने निषाद राज गुह को हृदय से लगाया मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई, ऐसा लगा कि मैं स्वयं साक्षात लक्ष्मण जी के साथ भेंट रहा हूं। भेटत भरत ताहि अति प्रीता, लोग सिहाई प्रेम के रीता। सब भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं।
और कुछ लोग वहां ऐसे भी थे जो कह रहे थे, देखो भाई देखो, ये भरत जी राजा बनने वाले हैं, ऊंचे कुल के हैं, श्रेष्ठ कुल के हैं, और ये निषाद जाति का सवर है, ये अछूत है, और देखो भरत इसे छू लिया, भरत जी ने इसको छू लिया। वहां समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं, तो कल श्रवण करेंगे। रामचंद्र भगवान की जय।